आपकी भाषा मेरी भाषा लगा करके हम लोग सारे क्वेश्चन से डील कर सकते हैं। जो कहानी मैंने आपको समझाई उसका यूज करके देखिए, सारे क्वेश्चन हमारे पास में है, बैक टू बैक 7 क्वेश्चन, इनका हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि सर सीपी आपको दे रखा है 15,000 रुपए, लॉस दे रखा है 20% का, तो बताइए सेलिंग प्राइस कितना होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, प्री वाले एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। देखो करना क्या है दोस्तों कि सर आप ये बताइए कि सीपी लिखा हम लोगों ने और एसपी लिखा, जी हाँ सर, 20% का मतलब क्या बताया था आपने? सर जी 20% होता है 1/5, यानी कि 5 रुपीज की चीज पर 1 रुपए का लॉस होगा तो आपको 4 में बेचना पड़ेगा। अच्छा सर 5 रुपीज की चीज है उसको बेचना पड़ेगा कितने में? 4 में, क्योंकि 20% का मतलब जो आपको समझाया हुआ है डेट इज इक्वल टू 1/5, ये बेस बन गया, 1 रुपए का लॉस हो गया, 5 रुपीज की चीज 4 में चली गई। अच्छा देखो 15,000 रुपए जो है आपकी भाषा में, 5 रुपए मेरी भाषा में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4, आंसर यहाँ से कितना हो जाएगा कि सर जी 12,000 रुपए। अच्छा जो भी चीज आपने बताया कि सर जी 12,000 रुपए में आपको बेचना पड़ेगा जो चीज 15,000 की। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। सर 66 2/3% का अगर प्रॉफिट है और 2500 रुपए में आपने इसको बेच दिया है तो आप ये बताइए कि सर जी इस चीज का कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस नहीं ये कॉस्ट प्राइस था, इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा? अच्छा सर देखिए कि सर 66 2/3 कितना बताया था? सर 66 2/3% इन टर्म्स ऑफ रेशियो 2/3 होता है, यानी कि 3 रुपए अगर सीपी होता तो प्रॉफिट आपको कितना मानना पड़ता? 2 रुपए। इसका मतलब यहाँ पे लिखा सीपी, जी सर यहाँ लिखा हम लोगों ने एसपी। दोस्तों 3 रुपए की चीज को 2 रुपए आपको बढ़ा करके बेचना है, यानी कि 5 रुपए में बेचना पड़ेगा, लेकिन आपने बेचा कितने में है? 2500 रुपए में। सीधी बात है 2500 रुपए आपकी भाषा में, 5 रुपए मेरी भाषा में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3, आंसर यहाँ से कितना हो जाएगा? 1500 रुपए। जी हाँ सर वो चीज जो आपने 2500 रुपए में बेची है वो अगर 66 2/3% के प्रॉफिट पर है तो घर में कितने की पड़नी चाहिए थी? 1200 रुपए, 1500 रुपए की। नेक्स्ट आइए यहाँ से, सर जी सीपी जो है 3000 रुपए है, सेलिंग प्राइस 3500 रुपए है, प्रॉफिट बताना है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आप सीखिए यहाँ से, 3000 रुपए हमारे पास में सीपी है, जी हाँ सर, सेलिंग प्राइस बताइए कितना हो गया? 3500 रुपये। अच्छा दोस्तों इसको सीधे काट दीजिए आप, कैसे सर जी? 5 की टेबल से हम लोग इसे काटे सर तो ये 6 टाइम हो जाएगा, ये 7 टाइम्स हो जाएगा। जी हाँ सर आपको फायदा कितने का हो गया? 1 रुपए का। 1 का फायदा कैलकुलेट किस पर होगा? 6 रुपीज पर, 1/6 होता है मल्टीप्लाई बाय 100, आपका आंसर आ जाएगा कितना? 16 2/3%। बड़े आसान क्वेश्चन है, आपको सोचना है आपकी भाषा मेरी भाषा कैसे लगा रहे हैं हम लोग। देखो दोस्तों एक और क्वेश्चन दे रखा है, डिस्काउंट दे रखा है 11 से 1/9%, तो बेटा 11 1/9% का मतलब इन टर्म्स ऑफ रेशियो कितना होता है? सर जी 1/9 होता है, यानी कि एमआरपी को बेस बनाया जाता है, 9 रुपए की कोई भी चीज है उस पर 1 रुपए का डिस्काउंट होगा, मतलब कितने में आ जाएगी वो? 8 रुपए में। मामला इतना सा रह गया, आपको इस बार एसपी लिखना है और यहाँ पर लिखना है दोस्तों क्या? एमआरपी। सर 9 रुपए की चीज है उसको 1 रुपए का डिस्काउंट पे बेचना है, यानी कि 8 रुपए में आपको बेचना पड़ेगा। सर आपने बेचा कितने में है? जी हाँ सर मैंने तो बेचा है इसको 4500 में आपकी भाषा में, मेरी कहानी में एमआरपी कितना है? 9 रुपए। 4500 एमआरपी आपके हिसाब से, 9 रुपए मेरे हिसाब से, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8 निकालना है, आपका आंसर आ जाएगा ये 4000 रुपए में आपने इसको बेच दिया होगा, इसका सेलिंग प्राइस आ गया। आगे बात करते हैं कि सर देखिए आपको ये जो है कि सीक्वेंस वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, एमआरपी, 3 गांव की कहानी मैंने आपको बताई थी, जिसमें आपको ये सोचना है सर जी जाते ही हमें समझना है सीपी हो गया, जी सर एसपी हो गया और एमआरपी हो गया। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो बताइए जी प्रॉफिट कितना हो रहा है कि 20% का, 20% कितना होता है? सर 1/5 होता है, इसका मतलब जो है कि 5 रुपीज की चीज को 1 रुपए बढ़ाने के बाद में कितने का हो जाएगा ये? 6 रुपीज का। अगली बात करते हैं दोस्तों 40% कितना होता है? सर 40% आपने बताया था जब 20% 1/5 होता है तो 40% जो है कि 2/5 हो जाएगा। अच्छा सर यानी कि 2/5 के हिसाब से हम लोग एक बात समझ सकते हैं कि दोस्तों अगर एमआरपी 5 रुपए का हो, जी हाँ सर, तो 2 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि चीज 5 के बाद में 2 रुपए कम होकर के 3 रुपए में पड़ जाएगी। अच्छा तो बेटा एमआरपी कितना? 5 रुपीज, इस पे 2 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, इसका मतलब ये 3 रुपए में आ जाएगी। आप या तो 6 और 3 को बराबर करो, किसी भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि 6 और 3 इक्वेट हो जाए, तो हम चाहे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, या फिर मैंने आपको एक तरीका बनाया था कि इसका जो है ना बिल्डिंग गिरा दीजिए, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 15, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो ये आएगा दोस्तों 18, और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा? 30। ये वही कहानी का एक रूप है जो आपने यहाँ पे बताई है, जिसमें हमें फायदा हो रहा है 20% का, डिस्काउंट मिल रहा है 40% का। सर सोल्व कैसे करें आगे बताओ? मैंने सर देखो आपकी भाषा मेरी भाषा है, आपने कहा सर जी 6000 रुपीज सेलिंग प्राइस बनता है आपके हिसाब से, मेरी भाषा में कितना बनता है? सर जी 18 रुपए। मेरी कहानी में सीपी अगर मुझे निकालना है, इस कहानी में हम लोग सीपी और एमआरपी निकालने जा रहे हैं, तो हमें 15 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, दोस्त ये हो जाएगा 3 की टेबल से 5 टाइम्स और ये 6 टाइम्स, आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से? 5000 रुपीज। ये बेसिकली चीज क्या आ रही है हमारे पास में? कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हमने 15 का वैल्यू निकाला। अगली बात समझते हैं कि सर आप ये बताइए कि इसमें हम लोग अगर चाहें
कि सर हमें एमआरपी निकालना है तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से। देखो सर 6000 रुपीज आपकी भाषा में, 18 मेरी में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 30? 60 टेबल से 3 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से, 10,000 रुपये। तो ये आएगा हमारे पास में दोस्तों एमआरपी। जी सर एमआरपी निकाल लिया, सीपी निकाल लिया, क्वेश्चन कैसा भी है हम लोग सोल्व कर सकते हैं। चलिए और समझते हैं कि सिर्फ 12,000 रुपये अगर कॉस्ट प्राइस है, लॉस आपको दे रखा है 25% और आपको डिस्काउंट भी दिया हुआ है 20%। तो दोस्तों करना कैसे है, ये देखा सीपी, ये हो गया हमारे पास में सेलिंग प्राइस, ये एमआरपी। बात यहाँ के रुकती है, यदि लॉस 25% का है तो ये होता है 1/4 के बराबर, यानी कि 4 रुपए का एमआरपी हो तो 1 रुपए का आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा। कितने बेचेंगे आप, 3 रुपए में, यानी कि 4 रुपीज की चीज जो है उसको आपको 3 में बेचना पड़ेगा अगर आप ये डिक्लेयर करते हैं कि मुझे 25% का लॉस है। अच्छा सर ये बताइए सर जी एमआरपी और सेलिंग प्राइस में कैसा रिलेशन निकलेगा, मैंने कहा वो तो डिस्काउंट की हेल्प से निकलेगा। 20% का डिस्काउंट का मतलब होता है जी 1/5 को अगर एमआरपी मान लिया जाए तो 1 रुपए का आप डिस्काउंट दे रहे हैं, इसका मतलब कि 5 रुपीज एमआरपी हो तो 4 रुपए में आपको चीज को बेचना पड़ेगा। ये रेशो है, चाहे तो हम लोग इसको 4 से मल्टीप्लाई करें और इसको 3 से मल्टीप्लाई करें ताकि सेलिंग प्राइस आपका बराबर हो जाए, या फिर आप लोग बिल्डिंग गिराइए, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, 4 को 3 से किया बेटा 12 हो गया, 5 को 3 से किया तो 15 हो गया। मामला यहाँ के रुकता है सर जी, अब सेट करना है, ये बताइए सेलिंग प्राइस कितना होगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। सर जी देखो 12,000 रुपये कॉस्ट प्राइस बनता है आपकी भाषा में, मेरी भाषा में कितना बनता है 16, मेरी कहानी में सेलिंग प्राइस कितना है 12, इससे मल्टीप्लाई किया जी सर ये मेरे पास में आंसर आ जाएगा 9,000 रुपये। जी सर अगला सोचिए एमआरपी आपको निकालना है, जी हाँ सर एमआरपी के लिए क्या करें, कहते जी कुछ भी नहीं करना, 12 की जगह आपको 15 से मल्टीप्लाई करना है, 12,000 रुपये जो है आपके हिसाब से 16 रुपये हमारे हिसाब से, व्हाट इज द वैल्यू 15 निकाल देंगे, आपके पास में जो आंसर है आ जाएगा दोस्तों 11,250 रुपये। ठीक है चलिए एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी मेहनत करने के बाद लगता है उन्होंने टाइम वेस्ट किया, ऐसा क्यों, कहता देखो सीपी दे रखा है आपको, यहाँ पर सेलिंग प्राइस दे रखा है। जी हाँ सर अगर सीपी पता है सेलिंग प्राइस पता है और एमआरपी के बारे में बात करें, मैंने कहा था आपको ये 3 गांव हैं इनको आपस में जोड़ना है तो बेटा आपको प्रॉफिट या लॉस पता होना चाहिए, यहाँ पर आपको डिस्काउंट पता होना चाहिए। आपको यहाँ पर दे रखा है 5,000 रुपये, जी सर डिस्काउंट दे रखा है 15% का, तो आपके पास में यहाँ पर जो है नहीं हिम्मत खत्म हो जाएगी यहाँ पे, कैसे कि सर मेरे पास में यहाँ पे वो पावर नहीं है कि मैं यहाँ से यहाँ पर आ सकूं, यानी कि यहाँ पे रास्ता ब्लॉक हो गया। आप सीपी और एसपी में रिलेशन नहीं निकाल सकते ना जब तक आपको प्रॉफिट लॉस नहीं पता, यानी कि मुझे इस गांव से इस गांव तक जाने का कोई भी रास्ता नहीं है, इसका मतलब कि आप एमआरपी या सेलिंग प्राइस इसमें नहीं निकाल सकते, तो इसमें क्या आएगा सर डेटा इनसफिशिएंट आ जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि जितने भी सारे बेसिक क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिए, ये प्री वाले एग्जाम के लिए वैलिड है पूरे, आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन है कोई फॉर्मुला में याद नहीं करना है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन में सीपी निकालेंगे या 100 बनाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो है कि सर रुपए अपॉन में आइटम कंसेप्ट, यानी कि 5 रुपए के 12 कोई आइटम लेके आते हो या 5 रुपए के 12 हम लोग बेच देते हैं, 3 रुपए के 8 लाते हैं या 3 के 8 बेच देते हैं, तो इसमें काफी सारे डाउट्स स्टूडेंट्स को रहते हैं कि सर ऐसा क्या होता है, मतलब कितने में कितना बेचना है, कितने में कितना खरीद के लाना है, ये बेसिक डाउट्स है उसको हम समझते हैं यहाँ से। सर कभी भी कैसा भी कंसेप्ट आए, कैसा भी क्वेश्चन हमारे सामने आए, आपको डील कैसे करना है रुपए अपॉन में आइटम्स के थ्रू, यानी कि आपको ये बताना है सर जी कितने रुपए के कितने, तो उसको लिखने का जो तरीका होता है दोस्तों वो होता है कि रुपए अपॉन में आइटम्स आप लिख दीजिए, यानी कि आपने कहा जी अगर मैं 5 रुपए के 12 बेचता हूं तो भी मुझे 5/12 लिखना पड़ेगा, और मैं 5 रुपए के 12 लेके आता हूं तो भी मुझे 5/12 लिखना पड़ेगा। ये कहानी का कंसेप्ट कहां से आया है कि सर जी 12 आइटम जो है अगर उनका कॉस्ट प्राइस 5 रुपए मान लिया जाए तो एक आइटम का कॉस्ट प्राइस कितना होगा 5/12। ऐसा भी हो सकता है सर जी 5 आइटम्स जो है आपने 12 रुपए 12 आइटम्स जो है कि 5 रुपए की आपने बेच दिए हैं तो एक आइटम को कितने बेचा होगा वो भी आपके लिए कितना आएगा 5/12। यानी यहां तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है कि सर आपने बता दिया, हमने मान लिया 5 रुपीज अपन में ये आइटम्स वाली कहानी में लिखा है, यानी कि 5 रुपए के 12। अब क्वेश्चन में आपको डील करना पड़ेगा, सर जी मान लीजिए आपको दे रखा है कि 5 रुपीज के 12 आइटम्स आप लोग लेके आए हो, यानी कि वो सीपी है, और आपने 20% का प्रॉफिट कमाना है, तो आपकी भाषा मेरी भाषा के अकॉर्डिंग इस चीज को कितने रुपए की कितने बेचना पड़ेगा। तो हमने कहा सर जी बड़ा आसान है, आपको ये लिखना है यहाँ पर सर जी 5 रुपीज के जो है कि 12, जी सर ये कहानी हो गई रुपए अपन में आइटम। अगर आप चाहते हैं कि 20% का फायदा हो जाए तो हम लगातार यही चीज सीख रहे हैं यार, इसमें क्या है कि सीपी है और एसपी है, 20% 1/5 5 रुपीज की चीज को 6 रुपए में बेच दीजिए, तो बेटा इसको अपन बताइए कि ये वैल्यू किस चीज का है, कि सर सीपी दे रखा है आपकी भाषा में तो मेरी भाषा में सीपी कितना है कि 5, मेरी कहानी में सेलिंग प्राइस कितना है कि 6 है सर। मामला खत्म हो गया यहाँ से, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/2। अब आपके दिमाग में बात आएगी सर जी 1/2 क्या आया है,
कि दोस्तों आपने 6 का भी निकाला, यानी कि 1/2 सेलिंग प्राइस आ रहा है। सर सेलिंग प्राइस में 1/2 का मतलब क्या है? एक रुपए के दो आइटम या 2 रुपए का एक आइटम? मैंने कहा हमने एक ही चीज पढ़ी है, ये चीज हमेशा रुपए में आइटम ही आएगी। इसका मतलब कि 1 रुपए के दो आइटम्स आपको बेचने पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं इस कहानी के तहत आपको 20% का फायदा हो जाए तो। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, सर 3 रुपीज के 5 आपने जो है कि बेचे हैं, अच्छा इस बार सेलिंग प्राइस दे रखा है और प्रॉफिट आपको अर्न हो रहा है कितना, 60% का, तो बताइए कितने रुपए के कितने आप खरीद के लाए थे। तो हमने पहले कहा भाई प्रॉफिट 60% का मतलब ये होता है सर, ये होता है 3/5। अच्छा इस चीज को बोलते हैं 3/5, 5 रुपीज की चीज को 3 रुपए बढ़ा करके बेचना है। इसका मतलब सीटी और एसपी के बारे में बताएं तो बेटा 5 रुपीज की चीज को 8 में बेचना पड़ेगा, ये बात भी सही है। अच्छा बताइए सेलिंग प्राइस हो या कॉस्ट प्राइस हो, हमें तो 3/5 लिखना है, 3 रुपए के 5, ये क्या है कि सर सेलिंग प्राइस। अच्छा सेलिंग प्राइस है तो हमारी भाषा में सेलिंग प्राइस कितना है कि सर 8 है, तो बेटा हमारी भाषा में 8 है, आपकी भाषा में इसका वैल्यू सीटी का वैल्यू कितना है कि सर 5 हो गया, ये यहां से कैंसिल हो गया, ये 3/8 आ गया। आप ये बताइए आपने मल्टीप्लाई किससे किया है, सर जी 5 से किया है तो सीपी निकल के आया होगा, ये कहानी किस चीज की है, कॉस्ट प्राइस की। फिर दोबारा वही डाउट, सर जी कॉस्ट प्राइस तो मान लिया कि है 3 रुपए के 8 है या 8 रुपए के 3 है, बेटा यहाँ पर हमेशा आंसर रुपए अपन में आइटम आएगा, तो इस तरह से हम लोग डील कर लेंगे, जो भी ऑप्शन आएगा 3 रुपए के 8 आइटम्स वो हम लोग जो है कि आंसर टिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है सर, ऐसा है कि सीपी है 5 रुपए के 4 और कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है 4 रुपए के 5, ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करना है। इसके लिए पहले तो मैं दोस्तों आपको बेसिक मेथड बताऊंगा कि सर जी बेसिक कंसेप्ट क्या है इसका। देखो जब भी आपको दोस्तों प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालना है तो आपको ये चीज फिक्स करना पड़ेगा सर जी कितने आइटम्स का ट्रांजिशन आप लोग कर रहे हैं। अगर आप 200 आइटम्स को खरीद के लाते हैं तो आपको 200 आइटम्स को बेच के दिखाना पड़ेगा, तभी जाके आप बता पाएंगे कितना प्रॉफिट परसेंट या कितना लॉस परसेंट आपको होने वाला है। अच्छा देखो दोस्तों बात यह है कि सर जी यहाँ पर तो 4 आइटम है, यहाँ पर 5 है, तो एक बार हम लोग कहानी को लेके आते हैं कहाँ पर, 1 पर। इसके बाद में हम लोग अलग थ्योरी बनाएंगे कि शॉर्ट एंड स्वीट में इसका आंसर कैसे निकालना है। चलिए मामला यहाँ के रुकता है कि सर जैसे ही आपने कहा कि 5 रुपीज के 4 आइटम्स, तो बेटा सीपी की बात करें तो क्या आप ऐसा बोल रहे हैं सर जी 4 आइटम्स जो है ये हमारे लिए पड़ रहे हैं 5 रुपए के, तो एक आइटम कितने का पड़ेगा सर जी 5/4 रुपीज का। अच्छा फिर सोचिए सेलिंग प्राइस की बात करें तो क्या रहेगा सर, हमने जब बेचे थे इसको तो 4 रुपए के 5 बेचे, यानी 5 आइटम्स का सेलिंग प्राइस 4 रुपए है, तो एक आइटम का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 4/5। जैसा कि सारी किताबों में लिखा हुआ है कि सर जी प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालना है तो विद रेस्पेक्ट टू सीपी काउंट होगा, जी हाँ सर होगा। तो आपको अगर प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना है तो एक बार तो हमने मान लिया कि प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि मुझे नहीं पता इसमें, तो हमने प्रॉफिट परसेंटेज के लिए क्या किया दोस्तों कि सेलिंग प्राइस माइनस ऑफ कॉस्ट प्राइस, इसमें अगर सीपी का डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 कर दें तो हम लोग चेक कर लेंगे सर जी इसमें प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। अगर चीज पॉजिटिव आ रही होगी तो प्रॉफिट होगा और नेगेटिव आ रही होगी तो हमें लॉस हो जाएगा। देखिए मामला कहां के रुकता है कि सर देखो सेलिंग प्राइस कितना है सर जी 4/5, लॉस ये हो रहा है यहां पर 5/4 आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, इसमें 5/4 कॉस्ट प्राइस का डिवाइड करें मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो चीजें यहां पर आके रुकती है कि सर देखो यहां पे बनेगा 16 माइनस का बनेगा 225 अपॉन में जो है कि 5 × 4 × 5/4 मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया, ये 4 से 4 खत्म हुआ, आपके सामने चीज आके रुक गई माइनस का 9 / 25 मल्टीप्लाई बाय 100। जी हाँ सर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 36% आ रहा है क्योंकि आपका प्रॉफिट परसेंट जो है कि लॉस परसेंट में तब्दील हो चुका है। इस पूरी कहानी में आपको लॉस हो रहा था तो आपका फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर तो दोस्तों जो आ चुका है 36% का लॉस है। फिर आता है जी लॉस अगर मान लीजिए 36 रुपीज का हो तो कितने आइटम्स का ट्रांजेक्शन हुआ होगा, तो हमने कहा सर देखो अब आइटम्स का हम लॉस के साथ में कैसे रिलेशन निकालें, तो आपको एक आइटम को बेचने पर कितना लॉस हो रहा है उसके पास में जाना पड़ेगा। तो दोस्तों यहां से देखते हैं देखो कि सर ये क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड को कैसे डील करना है, तो हमने कहा भाई एक आइटम का अगर ट्रांजिशन होता तो आप लोग क्या बताएंगे लॉस कितना हो रहा है, सर जी 4/5 में बेचा था और 5/4 में खरीद के लाए हैं, इसका मतलब कि दोस्तों 16 माइनस का 25 अपॉन में ये 20 हो गया, जी हाँ सर, यानी कि आपको लॉस कितने का हो रहा है 9/20 रुपीज का ये लॉस चल रहा है। अच्छा सर एक आइटम पर लॉस हो रहा है 9/20 का और आप चाहते हैं सर जी लॉस जो है कि 36 रुपीज का हो जाए, तो हम लोग इसके थ्रू वैल्यू निकालेंगे कितने आइटम्स का ट्रांजिशन हो रहा है। देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को कि सर देखिए 9/20 रुपीज का लॉस होता है जब एक आइटम का ट्रांजिशन होता है, जी सर अगर 1 रुपए का आप लॉस चाहते हैं तो 1/9/20 हो गया, लेकिन आपको लॉस कितने का चाहिए 36 का, तो बेटा 20/9 हुआ इंटू जो है कि 36 कर दिया, ये आपके पास वैल्यू हो जाएगा कितना 80 आइटम्स का आपको जो है कि ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा।
फिर इसी चीज को मैंने दोबारा बोला सर जी, एक आइटम के ट्रांजेक्शन पे, ये हमारा पार्ट नंबर सेकंड। देखो पार्ट नंबर थ्री क्या है सर जी, 1000 आइटम्स का ट्रांजेक्शन करें तो लॉस कितना होगा। मैंने कहा एक आइटम पे जो लॉस होता है वो 9/20 का होता है, तो 1000 आइटम्स पे कितने का होगा। कि दोस्तों 9/20 इसको मल्टीप्लाई कर दें हम लोग 1000 से, तो बेटा ये आंसर कितना आ जाएगा, 450। अब आप सभी लोग देख रहे होंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत साधारण तरीका हमारे पास में है, आपकी भाषा मेरी भाषा लगा सकते हैं। आपको ये सीखना है सर जी, इस बड़े मेथड की जगह हम लोग इसको रेशियो वाइज ला करके या किसी आसान तरीके से कैसे डील करें। मैं एक बार इस बोर्ड को साफ कर रहा हूं, इस तरीके को हम लोग दोबारा फॉलो करते देखो। कि दोस्तों बात ऐसी है कि सर आप इस वाले पूरे चैप्टर में क्या ऐसा कर सकते थे कि हाँ सर आपको ये जो 4 और 5 आइटम्स हैं, आपने जब खरीदे हैं तो 4 हैं और बेच रहे हैं तो 5 है, तो 4 और 5 को बराबर कर सकते हैं। कि हाँ सर कर तो सकते हैं। मैंने कहां पर बराबर होगा कि सर 20 पे बराबर होगा, 40 पे भी हो सकता है, 400 पे भी हो सकता है, लेकिन 20 इनका एलसीएम है, हम 20 पे करना चाह रहे हैं। तो देखो तरीका क्या होता है सर जी, इस 4 को इस 5 के अगर हम लोग बराबर करना चाहें तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, तो इससे क्या हो जाएगा कि सर जी यहां पर जो है कि ये तो बन जाएगा 20, ये बन जाएगा पास में 20। अच्छा फिर आपने आइटम्स को कॉन्स्टेंट कर दिया, तो बेटा 5 को यहां मल्टीप्लाई करेंगे सीपी कितना आ जाएगा 25, और यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 16। तो देखो इसका हमने एक कंसेप्ट बनाया जो कि क्वेश्चन में गिवन था, सीपी लिखा और एसपी लिखा। आपने कहा जी 5 रुपीज जो है हमारे पास, इसके 4 आइटम्स, और आपने जो है कि बेटा 4 रुपीज के जो है 5 आइटम्स अगर आपने कर दिए हैं, तो दोस्तों बात ऐसी है कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, चीजें वैसी की वैसी रहेंगी, यानी कि ये हो गया हमारे पास में 25 रुपीज। आपने 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये चीज यहाँ पे कितना आ गया, 16 रुपीज। मामला यहाँ के रुक गया कि 25 रुपए की कोई चीज होती तो उसको आप कितने में बेचते, 16 रुपए में। घाटा कितने का होता, 9 रुपए का। कितने पर होता, 25 पर। 9 रुपीज का घाटा होता 25 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर कितना होता है यहाँ से 4 टाइम्स जाता सर जी, 36% का लॉस हो जाता। अच्छा एक और चीज सीखो कि सर आपने ये जो कंसेप्ट बनाया है ये कहां से बनाया है, कि मैंने 5 और 4 से मल्टीप्लाई किया था, यानी 5 4 को मल्टीप्लाई करके मैं 20 आइटम्स पे चला गया था जो कि कॉन्स्टेंट टर्म थी। अच्छा सर तो आप तो ऐसा बोल रहे हैं कि 20 आइटम्स जो हैं, अच्छा तो बेटा 20 आइटम्स के ट्रांजिशन के बाद में लॉस कितने का हो रहा है, कि सर 9 रुपए का। मामला खत्म हो गया यहीं सर जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, सर सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है कि सर लॉस जो है कि 36 का होना चाहिए। मैंने कहा 36 रुपए का लॉस बनता है आपकी भाषा में, मेरी कहानी में कितने का बनता है, 9 रुपए का। मेरी कहानी में कितने आइटम्स का ट्रांजेक्शन हुआ है, 20 का, यानी कि यहां से कितना हो जाएगा सर जी, ये हो जाएगा 80 आइटम्स। जी हाँ सर, पार्ट नंबर थर्ड की बात करते हैं कि सर ऐसा है कि फिर हम उसी बात पे खड़े हुए हैं कि 20 आइटम्स के ट्रांजेक्शन के बाद में आपको जो लॉस हो रहा है वो कितने का है, 9 रुपए का। इसका मतलब ये हो गया कि सर आप ये थर्ड वाला पार्ट जो है इसमें 100 आइटम्स का ट्रांजेक्शन करना है ना। मैं कहता जी 1000 आइटम्स बेचते हो आप, 20 आइटम्स बेचते हैं हम, हमारी कहानी में लॉस कितने का होता है, 9 रुपए का। बेटा इसको मल्टीप्लाई किया आंसर कितना आ जाएगा, 450। तो ये थ्योरी आप लगाएंगे तो आपका एक एक लाइन में आंसर आ जाएगा। आपको फिर भी कोई डाउट रहता है मैं आपको बता चुका हूं दोस्त, इसमें आप कमेंट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में आकर के मैं उसके और भी तरीके जो होंगे जितने भी आपके डाउट्स हैं उनको सोल्व करेंगे। कहेंगे कंबाइंड परसेंटेज आप देखते जाइए कि चीजें नई नई आती जा रही है। हमारा अगर कंसेप्ट सॉलिड है तो हमारे पास में हर नए क्वेश्चन का एक नया तरीका होगा। वो कहते हैं ना कि उम्मीदों की कश्मकश में उम्मीद की ढाल लिए बैठा हूँ, एएसएससी तेरी हर चाल के लिए मैं एक नई चाल लिए बैठा हूँ। माना कि 2-4 क्वेश्चंस नहीं रहते हैं मेरे मुताबिक, मुझे क्या कमी है जब मैं हौसले बेमिसाल लिए बैठा हूँ। तो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। अगला जो कंसेप्ट रहेगा कि सर जी कंबाइन परसेंटेज हमें निकालना है। आपके पास में एक टोटल सीपी था यानी कि कॉस्ट प्राइस था, जिसका 2/5 पार्ट आपने 10% के लॉस पे बेचा और बाकी पार्ट को आपने 20% के फायदे पर बेचा। आपको बताना है कि इस पूरी कहानी के दौरान कितना प्रॉफिट होगा या कितना लॉस होगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। देखिए सबसे पहले दोस्तों बेसिक तरीका हम लोग देखते हैं, वो वाहियात तरीका जो आप सभी लोग फॉलो करने वाले हैं, जैसे कि सर 5400 है, इसका 2/5 पार्ट कितना होगा सर जी, 5400 × 2/5, यानी कि इस सीपी का ये वाला पार्ट। फिर आप लोग क्या करने वाले हैं सर जी, 5400 जो है इसका 3/5 पार्ट ये वाला हो गया। दरअसल इस क्वेश्चन करने के लिए अगर आप लॉस बता रहे हैं तो दोस्तों क्या इसका 90/100 जो होगा इस पर आप इसको भेज देंगे। हाँ सर, इसको जोड़ दिया हम लोगों ने। जी सर प्लस कर दीजिए। इसके बाद में क्या रहेगा दोस्तों, ये नेगेटिव था हमारे पास में लॉस था। जी हाँ सर। अच्छा 5400 का 3/5 जो पार्ट बताया है इसका 20% का फायदा है, यानी कि आपने इसको 120/100 में बेचना है। ये चीज है जो कि आपको फॉलो करनी है, 5400 इस पूरे पे आपको प्रॉफिट निकालना है जितना भी आपको निकल रहा होगा। ये हमारे पास में बनेगा दोस्तों ओवरऑल सेलिंग प्राइस। अब क्या रहेगा
कि सर इस पूरे सेलिंग प्राइस को आप लोग जो वैल्यू बनाएंगे उसको 5400 में से माइनस करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू 5400 हम लोग निकालेंगे और आंसर आपके सामने आएगा। तो हमने कहा सर जी इस तरीके की जगह हम लोग चाहें तो इसको बड़े आसान शब्दों में समझ सकते हैं कि सर देखो पूरा जो प्रॉफिट है अगर आपको कैलकुलेट करना है तो दोस्तों हमेशा इन चीजों को कहां पे लेके आएंगे हम लोग, वन पर। क्या अच्छा सर फिर क्या फायदा हुआ, मैं कहा वन पर मान लेंगे तो आप सीधा ही खेल लीजिए फिर 2/5 जो पार्ट है उसको एक तरफ लिखिए और 3/5 जो पार्ट है उसको अलग लिखिए। आपको बोला गया सर जी 2/5 पार्ट पे अगर 10% का लॉस है तो दोस्तों माइनस का 10 हमने कर दिया। जी हाँ सर आगे बताते हैं सर 3/5 जो भी पार्ट था उसका जो है कि 20% का प्रॉफिट है, तो डायरेक्टली आप लोग जो है कि प्रॉफिट को कंजर्व कर सकते हैं। कितने पार्ट पर कितना लॉस आ रहा है तो नेगेटिव और प्रॉफिट आ रहा है तो पॉजिटिव, तो हम लोग दोस्तों इसको ऐड कर लेंगे। फाइनल जो भी वैल्यू आने वाला है इसको यहां से कैंसिल आउट किया, माइनस का 4% ये बनेगा, यहां से 4 करेंगे तो ये 12 हो गया, यानी कि आपको 8% का इस पूरी कहानी में प्रॉफिट हो रहा है। और सभी मेथड्स को छोड़ दीजिए, आप लोग एक बात दिमाग में रखिए सर जी ऐसा जब भी वैल्यू निकालना है तो वन मान लेंगे तो यही आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों एक चीज मैं आपका कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर करता हूँ, ऐसा हो सकता है किसी के दिमाग में आ रही हो कि सर जी मैं तो जो है कि 5 रुपए मानूंगा। अच्छा दोस्तों देखो मान लो 5 रुपीज हमने ऐसे ज़ूम किया कि सारा जो पैसा था वो 5 रुपीज था, तो उसका 2/5 का मतलब कितना हो गया कि 2 हो गया, उसका 3/5 का मतलब कितना हो गया कि सर 3 हो गया। अच्छा बताइए 2 रुपए की चीज पे अगर आपको 10% का लॉस हो रहा है इसका मतलब कि आपको 0.2 का लॉस हो रहा है। जी हाँ सर हो रहा है, तो यहाँ पर लॉस जो है कितने का हो गया 0.2 रुपीज का। जी हाँ सर। अच्छा बताइए 3 रुपीज की चीज पे आपको 20% का फायदा हो रहा है तो आप लोग बता सकते हैं 3 रुपीज की चीज पे 20% का प्रॉफिट का मतलब कितना होगा, सर जी 0.6 यहाँ पर हो जाएगा। अब आपसे बोला जा रहा है सर जी आपको प्रॉफिट काउंट करना है, ये तो प्रॉफिट है और ये लॉस है, ओवरऑल प्रॉफिट निकालना है तो 0.6 में से आप माइनस करेंगे 0.2, यानी कि दोस्तों आंसर कितना आएगा 0.4। अच्छा ये 0.4 आंसर थोड़ी है कि सर नहीं है, आपको क्या निकालना था वैल्यू निकालनी, भाई 0.4 का जो प्रॉफिट हुआ है आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा 5 पर, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। जी हाँ सर ये फिर आपके सामने वैल्यू कितना आएगा सर जी, ये आएगा 8%। देखो अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर ये डेटा मान लेते हैं तो भी आपको जो आंसर है वो आंसर नहीं होगा, आपको उसके बाद में उसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हमेशा ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या मान लीजिए, वन मान लीजिए, वन के बाद में जो भी आपका प्रॉफिट कंजर्व होगा फाइनल आपका वही आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि सर आपने हाफ पार्ट को 10% के फायदे पर, 1/3 पार्ट को जो है कि 9% के प्रॉफिट पर और जो भी बच गया है उसको आपने 12% के फायदे पर बेचा। आपको बताना है इस पूरी कहानी के दौरान पूरा प्रॉफिट कितना हो रहा है। चलिए दोस्तों देखते हैं सर जी इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका रहेगा, सर जी 1/2 है 1/3 है तो पहले बताइए कि 1 में से अगर 1/2 प्लस का 1/3 को माइनस कर दिया जाए तो दोस्तों कितना आएगा, 1 माइनस का ये हो जाएगा 5/6 यानी कि 1/6। अच्छा देखो सर देखो 1/2 वाली पार्ट पर 10% का प्रॉफिट प्लस में 1/3 वाले पार्ट पर 9% का प्रॉफिट प्लस 1/6 वाले पार्ट पर 12 का प्रॉफिट जो है कि यहाँ 5 बनेगा, यहाँ पे 3 बनेगा और यहाँ पर जो है कि 2 बन जाएगा, 5 3 + 2 आप डायरेक्टली बोल सकते हैं सर जी 10% का इस पूरी कहानी में प्रॉफिट हो रहा है। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है इसको आप देखिए कि सर ऐसा है कि आपने कोई सीपी था कोई भी चीज थी चाहे कितने की भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इसमें डेटा का कोई यूज नहीं है, आपको परसेंटेज में खेलना आना चाहिए। आपने कहा जी 1/3 है इसका मतलब कि यहाँ पर कितना रह जाएगा दोस्तों 2/3 रह जाएगा, तो मैं बोलता हूँ जी 1/3 पार्ट पे कितने का प्रॉफिट लॉस हो रहा है 20% का। जी हाँ सर फिर बताइए 2/3 पार्ट जो है इस पे मुझे प्रॉफिट नहीं पता, मान लो कि x है, ये सब मिलाकर के 0% होना चाहिए, ये क्वेश्चन चाहता है बेटा, इसको यहाँ से उड़ा दिया, आपके सामने क्या आ जाएगा सर जी माइनस का 20 इज वैल्यू ऑफ 2x, तो बेटा x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 10%, यानी कि आपको जो बचा हुआ 2/3 पार्ट है इसको 10% के फायदे में बेचना पड़ेगा। अच्छा सही है, जैसे आपको डेटाबेस वाला क्वेश्चन चाहिए तो देखो कैसा होता है दोस्तों कि 1/3 पार्ट ये है 1/4 ये है और रिमेनिंग है, तो रिमेनिंग निकालने के क्या करेंगे सर जी 1 में से आप माइनस कर दीजिए 1/3 प्लस का 1/4, इसको अगर सोल्व किया जाए तो 1 माइनस का ये बनेगा बेटा 7/12 यानी कि 5/12 पार्ट। अच्छा सर सोचो 1/3 जो है इस पे 6% का प्रॉफिट। जी हाँ सर। अच्छा फिर आइए 1/4 पे कितना 12% का प्रॉफिट और आपके पास में 5/12 है जिसपे 24% का प्रॉफिट है, इसको 2 टाइम्स काट देंगे ये 3 टाइम्स हो जाएगा ये 2 टाइम्स हो जाएगा, पूरी कहानी के दौरान आपको समझ में आएगा 2 + 3 + 10 जो होगा यानी कि 15% का प्रॉफिट हो रहा है। मामला यहाँ के रुक जाता है, लगाइए सर आपकी भाषा और मेरी भाषा, मैंने कहा अगर सीपी जो है कि 100 रुपए होता तो दोस्तों प्रॉफिट कितना होता कि सर जी 15 रुपए का, सेलिंग प्राइस कितना होता सर जी 115 रुपए और दे आर आस्किंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीपी, यानी कि आपके पास में 15 रुपए का प्रॉफिट है तो बताइए सीपी कितना हो। सर जी असली कहानी में तो 90 रुपए का प्रॉफिट है, 90 रुपए का प्रॉफिट बनता है आपकी भाषा में, 15 का बनता है मेरी भाषा में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 100 ये जाएगा 6 टाइम्स यानी कि 600 रुपीज की वो चीज है।
तो दोस्तों आपको इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको कोशिश कीजिए आप लोग कि 1/2 1/3 यानी फ्रैक्शन में हम लोग तोड़ सकें। और भी तरीके हो सकते हैं इनको आंसर निकालने में, लेकिन वो आपको डायरेक्ट आंसर नहीं देंगे, इसलिए बेहतरीन तरीका होगा कि आप इसी को परसेंटेज बना लें। जो बच्चे इसको 4/3 को एलसीएम लेकर के 12 से करना चाहते हैं कि सर हम लोग 120 मान लें या 12 मान लें, तब भी आपका आंसर आएगा, लेकिन जो आंसर सीधे आएगा वो आपका डायरेक्ट आंसर नहीं बनेगा। आपको उस चीज को विद रेस्पेक्ट टू टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जाके आप लोग जो है कि प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन का मैं एक और मेथड आपको बता देता हूँ। जैसे कि हम 12 की बात करते हैं कि सर देखो अगर हम उसको चाहें तो 1/3 और 1/4 में सोचिए 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है कि सर 12 होता है। कोई भी नंबर मानो बड़ा सा, सर मान लिया हम लोगों ने 120 रुपए थे, अच्छा 120 रुपए का 1/3 कितना हो गया 40 रुपए, 120 रुपए का 1/4 कितना होगा 30 रुपए, और 120 रुपए का आप देखो सोचिए बाकी तो उनको नहीं पता, मैंने 40 और 30 मिला के 70 हो गया ना, कितना रहता है यहाँ पे 50 रह जाएगा। अब सोचो 40 रुपए होता 30 रुपए होता और 50 रुपए होता डील कैसे करते, फिर 40 रुपए में कितना फायदा 6% का, यानी कि आप जो है कि 40 रुपीज का 6% अगर कैलकुलेट करते हैं तो बेटा यहाँ से कितना आ जाएगा ये 2.4 हो गया। जी सर, अच्छा ये बताइए 30 रुपीज जो है इसका 12% निकालिए, तो 30 का 12% आप निकालेंगे तो बेटा ये आएगा 3.6। जी सर, अच्छा फिर बताइए यहाँ से 50 रुपए जो है इसका 24% हम लोग निकालें तो बेटा ये मेरे पास में कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अपना पॉइंट यहाँ पे आके रुका कि सर आपने ये चीज तो कर दी, अच्छी बात है आपने इनको जैसे ऐड किया ये कितना बनेगा 6 तो ये बन गया प्लस का 12 बन गया, यानी कुल मिलाकर के आपको 18 रुपए का फायदा हो रहा है। कब? जब टोटल सीबी कितना होता 120 रुपए होता। मामला यहाँ के रुक गया कि सर क्या 18 रुपए आंसर है? कि सर नहीं, अगर आप चाहते हो कि प्रॉफिट परसेंट कितना है तो बेटा 18 में डिवाइड कीजिए, 120 का मल्टीप्लाई कीजिए 100 से, लेकिन क्वेश्चन ने ऐसा नहीं पूछा है। क्वेश्चन की डिमांड यह है कि प्रॉफिट 90 रुपीज का हो, तो मैंने कहा मामला खत्म हो गया। 90 रुपए का प्रॉफिट होता है आपकी भाषा में, 18 का प्रॉफिट होता है मेरी भाषा में, व्हाट इज द वैल्यू 120, आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आंसर कितना हो जाएगा 600। तो दोस्तों सारी चीजें आसान है, आपको हर क्वेश्चन में ये बात लगानी आनी चाहिए। एक्चुअल डेटाबेस जो भी है वो ऊपर आएगा, हमारी भाषा में कितना है नीचे आएगा, जिसका मन निकालना है उसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे। सपने देखते रहिए दोस्तों, वो जरूर पूरे होते हैं। कोशिश करिए, चीजें आसान है, हो जाएंगी। ठीक है।